बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना चौधरी। हमारी आज की मेहमान शख्सियत हैं रिटायर्ड मेजर आरिफ हमीद। नाजरीन, रिटायर्ड मेजर आरिफ हमीद से आपकी मुलाकात कई बार उनके इंटरव्यू के ज़रिए हो चुकी है, जिसमें उन्होंने सियासी इशू पर भी बात की और पाक भारत जंग 1971 में जो उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए उसके हवाले से भी आपको बताया। मेजर आरिफ हमीद 7 साल अवारी होटल से भी मुंसलिक रहे। उन्होंने बेराम अवारी के सियासी विंग को भी देखा। आज हम उनसे गेस्ट हाउस से अवारी होटल लाहौर तक के सफ़र की दिलचस्प और तारीखी दास्तान सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब, कैसे हैं? अच्छा मेरे साहब, माशाल्लाह आपने सियासी विषय पर भी महारत रखते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और फौजी तो आप हैं ही, आपने जंग के हवाले से भी हमें तफसीली नाजरीन को बताया। अब जो है सूरत हाल, क्योंकि आपने अवारी होटल में भी रहे और वहाँ जो गेस्ट हाउस था पहले, ये पाकिस्तान बनने की पहले की बात है, वो उस तक का और अवारी होटल के बनने तक का क्या सफ़र था, इसकी तारीख क्या है, नाजरीन को इसके हवाले से बताइए। तकरीबन 100 साल पहले तक महाराजा कश्मीर सर्दियों में सख्त बर्फबारी की वजह से श्रीनगर से लाहौर शिफ्ट हो जाते थे, तो यहाँ उन्होंने 2 गेस्ट हाउसेस बनाए जो आज अवारी और फ्लैटिस के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप गौर करें तो उस रोड का नाम भी कश्मीर रोड है, जो उसका दरबार था वो ख़त्म हो चुका है। बहरहाल मैं आपको अवारी लाहौर की हिस्ट्री के मुतालिक बताता हूँ। महाराजा कश्मीर ने इसलिए लाहौर की सिलेक्शन की थी कि उस वक़्त दिल्ली के लोग भी बरास्ता लाहौर ही जाते थे। कश्मीर से मुग़ल बादशाह सारे लाहौर से होके कश्मीर जाते थे गर्मियों में, ये सर्दियों में जाते थे। लेकिन उसके बाद जब अल्टरनेटिव रास्ता बन गया, जो कि होशियारपुर और पठानकोट से होता हुआ जाता है, तो फिर दूसरे शहरों में भी उन्होंने अपने ये जगह बना ली और आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी जो थी लाहौर के 2 गेस्ट हाउसेस की कम होती गई। इतने में महाराजा कश्मीर ने एक इटालियन औरत से शादी की, उसके 2 कज़न कश्मीर आए, उनको लाहौर में उन गेस्ट हाउसेस में ठहराया गया, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम इन गेस्ट हाउसेस को एक होटल की तरह चलाएंगे और आपके गेस्टेस के लिए जितने कमरे चाहिए होंगे वो आपको मिल जाया करेंगे। तो फिर तकरीबन 10 साल तक अवारी लाहौर नीडोज के नाम से और फ्लैटिस के नाम से ये 2 होटल, ये दोनों नीडो और फ्लैटिस ही कहलाते थे। लेकिन फिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इनको गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया गया। अच्छा, पाकिस्तान ने उस वक्त अपनी जो टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बनाई, तो फ्लैटिस उनको दे दिया गया कि वो एक होटल की तरह चले। उस वक्त के कानून के मुताबिक जो बड़ी बिल्डिंग्स, मेंशन, होटल्स, इस तरह की चीज़ें थी या सनमा थे, वो बजरिया निलाम दिए जाने थे, किसी को अलॉट नहीं हो सकते थे। अच्छा, पाकिस्तान बनने की बात है। तो फिर पूरी दुनिया में एक इश्तहार दिया गया नीडल्स को फरोख्त करने के लिए, तो मौजूदा बैराम दी अवारी साहब के वालिद दिनशा बैराम अवारी ने आके बोली थी, और सबसे ज़्यादा बोली होने की वजह से ये इनको मिल गया। ये तकरीबन 99 करार थे 99 कैनाल थे।
लेकिन फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मोरदे वजूद में आया जो एलडीओ का पेरेंट महकमा है। अच्छा अच्छा। उन्होंने जब वो तरक्याती काम शुरू किए तो उस वक्त के कानून के मुताबिक 1/3 हिस्सा जो है वो टेक ओवर कर लिया। उसमें वो रोड बनाई गई जो फ्लैटिस की तरफ जाती है और माल को मिलाती है, और जहाँ अलहमरा बनाया है। हाँ जी। ये सारा इलाका जो था ये अप्रूवमेंट ट्रस्ट के पास चला गया। बाकी 66 कनाल अवारिस को मिल गया। इस वक्त 66 कनाल पे है ये 66 से ज़्यादा है। अच्छा, उसमें कुछ एरिया ज़्यादा था तो वो भी काट के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की उसमें आ गया। अवारी साहब ने एक केस पेश किया कि क्योंकि मेरी होटल से जुड़ा हुआ है तो वो दो प्लाट थे 17 और 17A कश्मीर रोड, तो वो जो भी उस वक्त की मार्केट की कीमत थी मुझे दे दिए जाए, लेकिन मैं अदायगी किस्तों में करूंगा और जितनी रकम की अदायगी नहीं होगी उस पर बैंक ट्रस्ट दूंगा। वो उनकी जो अर्जदाश्त थी मंजूर कर ली गई तो वो दो प्लाट भी अवारी के साथ ही जुड़ गए। अवारी साहब ने इसको थोड़ा बेहतर करके पार्क लग्जरी के नाम से होटल खोला, क्योंकि वो कराची में बीच लग्जरी के मालिक थे तो इसका नाम पार्क लग्जरी था। अच्छा। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस वक्त तक ये पार्क लग्जरी था, लेकिन फिर जो इमारत थी वो बहुत खस्ता हो गई तो डिंशा अवारी साहब ने एक नई इमारत तामीर करने का प्रोग्राम बनाया। वर्ल्ड बैंक का लोन था, दूसरे बैंकों का लोन उन्होंने अप्लाई किया, वो मिल गया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप किसी चेन का हिस्सा होंगे, इंटरनेशनल चेन का, क्योंकि अभी पाकिस्तान में वो मार्केट नहीं है, ना आप वो उस लेवल की मार्केटिंग कर। चुनाचे अवारी साहब ने हिल्टन के साथ मुआहदा किया, लेकिन था तो वो मैनेजमेंट के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसी शरारत रख दी कि जब होटल चालू हुआ तो समझे वो हिल्टन के कब्जे में चला गया। कर्जा अवारी साहब अदा करें, मालिक अवारी साहब हों, और सारा नफा जो है वो हिल्टन ले जाए। उसके लिए कानूनी जंग शुरू हुई। इसी कानूनी जंग के दरमियान मुझे जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे, वो उस वक्त वहाँ डायरेक्टर थे कराची में बीच लग्जरी के, उन्होंने मुझे बुला के ये काम सौंप दिया। तो फिर मैंने हिल्टन में बैठ के हिल्टन के खिलाफ एक बड़ी लंबी जंग लड़ी। वो मामूली नहीं थी। हिल्टन का ताल्लुक कहाँ से था? हिल्टन एक इंटरनेशनल चेन है, अमेरिकन है। अमेरिकन है। तो मैं को कानून का था नहीं, हमारे मेन वकील एजाज बटालवी मरहूम साहब थे, एसएम कासम, ये एसएम जफर साहब से भी हम मशवरा करते थे, और फिर वो कानूनी जंग जो थी उसमें हमने ग्रिप हासिल कर ली। बटालवी साहब में केस लड़ रहे थे। इसके दरमियान में एक नया हादसा पेश आया। वो जो प्लाट 17A था, हाँ जी, उस पे एक बड़े ताजर की नजर पड़ गई जो कि नवाज शरीफ साहब की कान का बाल था। अच्छा अच्छा। उन्होंने उसकी अलाटमेंट कैंसिल करा के उसको एलडीए के जरिए कब्जा लेने की कोशिश की। ये किस सन की बात बता रहे हैं? जब ये 1988 की बात है। उसमें ये है कि उन्होंने बुलडोजर भेज के हमारी दीवार तोड़ के कब्जा लेने की कोशिश की, जिसमें
मुझे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सारी हिल्टन के जो एम्प्लॉई पाकिस्तानी थे ये हिल्टन का मुलाजिम समझते थे, असल मालिक को मालिक नहीं समझते थे। लेकिन हमने ये कानूनी जंग जीती। जब जीतने के करीब हो गए तो फिर हिल्टन ने आर्बिट्रेशन की क्लास मंगाई और इस तरह 1988 में हिल्टन जो है वो वापस अवारिस को मिल गया और नई चेन रमादा रेनेसेंस थी। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब जब इंटरफेरेंस की उन्होंने तो इसी से आपको वापस हो गया या कोई मामला हुए उनके साथ? नहीं, हमने उन जो पुलिस आई थी मैंने मेरे दोस्तों हमने उनका मुकाबला किया। कोई बातचीत हुई आपस में? नहीं नहीं, बकायदा लड़ाई, बकायदा लड़ाई हुई, लाठियां चली, उन्होंने फायरिंग भी की, लेकिन हमने उनको कब्जा नहीं लेने दिया। कोई मुजाकरात हुए उस वक्त? जाहिर है वो नहीं, मुजाकरात नहीं हुए क्योंकि पहले तो हमारे पे पर्चे कट गए। ठीक है, पर्चा उन्होंने काटा नहीं था, हमें पहले गिरफ्तार किया। तो फिर एजाज बाटाली साहब ने हफ्से भेजा की दरख्वास्त दी, जिस पे बैरफ ने आके हमें हाई कोर्ट से कोई मुलाकात नहीं हुई सिलसिले में आप? नहीं, उस वक्त मेरी नहीं हुई, एलडीए वाले मामले में, एलडीए वाले इस मामले में आ गए थे। वही जब हुई उस हवाले से नहीं कि भाई आप छोड़ दें ये या कुछ ऐसी बात नहीं हुई? नहीं, वो अपने आप को इतना जोरावर समझते थे कि वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमने कानूनी जंग लड़ी। और फिर जब दूसरे इलेक्शन का आया तो उन्होंने वाली साहब को बुला के कहा कि मैं फाइल मंगाई है और कहा कि ये आप को। तो वाली साहब ने कहा मियां साहब ये मेरा हक है। अच्छा, मतलब अवारी साहब इलेक्शन में भी दिलचस्पी रखते थे? और जी, 1988 में मैं उनका पंजाब और केपीके में पॉलिटिकल एजेंट था। बड़े अरसे से इस खास सीट पर एमपी भंडारा साहब इलेक्शन जीते, उससे पहले उनके वाले साहब जीतते थे, और जो 85 में इलेक्शन हुआ था अवारी साहब नहीं जीत सके थे। अच्छा, लेकिन फिर हमने मेहनत की, जगह जगह गए, मैं कैलाश की वादियों में गया, स्वात की वादियों में गया, चिकेसर गया, बड़ी बड़ी मुश्किल जगह पे गया, पैदल गया। तो फिर हमने एक ऐसी मूव चलाई जिसमें भंडारा से डबल वोट ली। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उनको बुलाया कि अब नहीं, अगला जब वो बेनजीर की हुकूमत खत्म हो गई हाँ जी, और दूसरा इलेक्शन होना था उस वक्त बुलाया। अच्छा, तो अवारी साहब ने कहा कि ये मेरा हक है, यानी वो जमीन के जो है एवज हमें खरीदना चाहते थे। अच्छा, वो कागजात दे रहे थे कि ये आप ले लें और हमारे हाँ, साथ लग जाए। हाँ, तो अवारी साहब ने मेरी प्रेजेंस में गवर्नर हाउस में मियां अजहर साहब की मौजूदगी में, अच्छा क्योंकि वो तो वजीर आला नहीं रहे थे ना, हाँ। वो इंटरिम थी, लेकिन गवर्नर तो था ना, तो वहाँ बैठ के पॉलिटिकल बातचीत करते थे। अच्छा, तो उन्होंने वारी साहब को कहा कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लिए। वारी साहब ने बड़ा तारीखी जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आज़ाद लड़ूंगा, जिसकी हुकूमत मिलेगी उसमें जाऊँगा ताकि इस गरीब माइनॉरिटी के लिए मैं कोई रोल अदा कर सकूँ। तो इस पर फिर वो खामोश रहे। फिर मैंने उस वक्त बताया, अच्छा मैंने कहा जी मियां नवाज शरीफ ने कैकबाद को खड़ा किया है ताकि हमारे वोट खराब हो। किसको खड़ा किया? कैकबाद, एक पार्टी था, इसका छोटा सा होटल था मरी में। अच्छा, तो नवाज शरीफ ने कहा कि अब वो हमारा कैंडिडेट नहीं होगा। अच्छा, यानी ये ऑफर करवाई के कैंडिडेट नहीं आपने लिए? हाँ, तो उसके बाद हमने वो इलेक्शन लड़ा, वो भी अल्लाह के फजल से जीता। तो इस बेस का मतलब सपोर्ट की फिर नवाज शरीफ ने जो अपना नहीं सर हाँ? नहीं सपोर्ट इतने वो उस वक्त जो कानून था, आईन था, वो इस तरह था कि 10 सीटें अकलीतों की थी। अच्छा, जिसमें 4 हिंदुओं के लिए, 4 क्रिश्चियन के लिए, 1 कादियानी के लिए, और 10वीं जो थी सब बचे कुचे
ऑल लेफ्ट ओवर्स मैं कहता हूँ, पारसी, सिख, ढेर, सांसी, बुद्धमत, अथीस, बिहाई, ये सब वोटर थे। लेकिन जो हल्का था वो कैलाश की पहाड़ियों से लेके बहरा अरब तक था, और ये लोग छोटी छोटी चाद में जगह जा पड़े थे। हमारी मेहनत ये थी कि हम जहाँ भी 5 से ज्यादा वोट थे वहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत की। ठीक हो गया। बैराम साहब की जो है शख्सियत के हवाले से आपने उनके साथ सियासी, मैंने फौज में भी नौकरी की और भी कई बड़े बड़े अदारों में नौकरी की, लेकिन उन जैसा नफीस इंसान नहीं। एक दफ़ा मैंने उनसे ब्रीफ के पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, कहते मैं खुद उठाऊंगा। एक मैं मज़ेदार वाक़या बताऊं कि हम ठहरे हुए थे इस्लामाबाद होटल में, तो उनके पास कमरे ना मिले तो एक स्वीट मिला, तो उसमें उनका बेटा, मैं और हमारी साथ थे। रमज़ान का महीना था, तो वो इतने दिलचस्प मुझे कहने लगे कि मेजर साहब बताएं आप क्या सहरी करेंगे, मैं अभी से ऑर्डर करता हूँ। मैंने कहा जी मैं सहरी नहीं करता, तो वो मुझसे नाराज़ हो गए। वो कहने लगे तुम मेरी बचत कर रहे हो। मैंने कहा नहीं जी, मुझे मैं सहरी करूँ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्होंने कहा फिर क्या? मैंने कहा जी मैं दही खाऊंगा, तो दही का ऑर्डर मैं देने लगा। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खुद ऑर्डर दिया। और फिर उन दिनों में जब दोपहर को वो खाना खाने लगते थे तो मुझसे पहले इजाज़त लेते थे कि मेजर साहब आपका रोज़ा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा खा लूँ। कौन इतना बड़ा सेठ अपने एक मैनेजर की इतनी इज्जत करता है? जो इज्जत उन्होंने मुझे दी वो मैं फरामोश नहीं कर सकता। सबके साथ ऐसा रवैया होता था या? तकरीबन मिसाल के तौर पे जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने ना सिर्फ मुझे, मेरी बीवी, मेरे बड़े बेटे, बहू और दो बच्चों के लिए टिकटें भेजी, होटल में रहने का इंतजाम किया, और हम उनकी फैमिली के मेंबर के हैसियत से उस शादी में शामिल। होटल की बेहतरी के लिए क्या सोचते थे वो, क्या उनका एम था कि क्या होना चाहिए उस पे? देखिए वो एक बहुत ही काबिल बिजनेसमैन है, लेकिन अखराजात रोक के काम करते, कोई उनको कोई ऐसी लत नहीं है, कोई उनका ऐसा वो नहीं है जिसमें वो पैसा खर्च करे। अपने जो मुलाजम हैं उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कराची में अवारी टावर्स में जो मुलाजम रिटायर हो जाते हैं, अगर उनके पास चले जाए तो उनको बीच लग्जरी में सारी उम्र के लिए नौकरी उनकी चलती रहती है। मैंने वहाँ दो आदमी बैठे, वो सिर्फ स्विमिंग पूल के पास बैठे रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं और तैरना भी नहीं जानते। उन्होंने कहा, वारी साहब ने कहा है कि बस ड्यूटी करोगे ताकि तुम ये ना समझो कि मैं खैरात दे रहा हूँ, तो ये ड्यूटी हमने दी है। वो एक स्पोर्ट्समैन और बड़े दिल के मालिक हैं। आपको बताता चलूँ कि उन्होंने 2 दफ़ा बागबानी किश्ती के मुकाबलों में इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मुझे एक दफ़ा वो बता रहे थे कि जब बॉम्बे में था तो इंडिया के जो मुंतजमीन थे, एक दिन पहले बागबानी किश्ती चलाने के लिए वेदर रिपोर्ट मिलती है तो उसको टेम्पर किया। वारिस साहब ने बाहर निकल के समुद्र का मुआयना किया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं। फिर अपना जेन लड़ाया, उन्होंने कहा ये 5% उन्होंने प्लस किया हुआ है। उन्होंने वो एक पेपर पे माइनस किया, उसके मुताबिक बागवान लगाया। और दूसरा ये है कि जो दूसरा साथी होता है वो उनके साथ कोई मर्द नहीं, उनकी बेगम गोशपी अवारी थी। क्या नाम उनका? गोशपी अवारी। तो
माशाल्लाह अब भी दफ्तर आते हैं और मुझे ईद शबरात पे याद रखते हैं। मुझे वो छोड़ा हुए 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से केक आता है, कभी कभी फ़ोन आता है, फौरन ही पूछते हैं मेजर साहब आप कैसे हैं। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं ज़्यादा बीमार हूँ, लेकिन रब्ता रखते हैं। सिर्फ रब्ता नहीं रखते, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बेशुमार लोग आवारी में वो नौकरी कर रहे हैं जिनके किसी आदमी ने किसी वक़्त उनकी मदद की थी या उनका अच्छा चाहा था, उसको वो नहीं भूलते और माफ़ भी कर देते हैं। इस वक्त जो जीएम आवारी हैं उन्होंने हिल्टन के साथ मिलकर हमारा मुकाबला किया था, लेकिन आवारी साहब ने इसको माफ़ कर दिया। अभी जो हैं जाफरी साहब। अच्छा, उसके बाद कम लोगों को पता है कि आवारी साहब फार्मास्यूटिकल में भी हैं। स्पेंसर फार्मा के नाम से उनकी फैक्ट्री है, फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। उसके अलावा एयरलाइन बिजनेस में भी हैं। उसके अलावा उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी बीच ब्रूरी, जो बाद में उन्होंने कुछ लोगों को दे दी और वो चलाते हैं, लेकिन नहायत नफीस इंसान है, गुस्से में नहीं आते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्यार करते हैं। शायद वो उतनी तनख्वाह नहीं देते जितने आशवानी देता है, लेकिन वो किसी को किक आउट नहीं करते और किसी की तरक्की में रुकावट नहीं डालते। तो मैंने काफ़ी उनके साथ नौकरी की, लेकिन मैं उनकी जो शफकत थी उसको कभी नहीं भुला सकता। सियासत क्यों उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी उसके बाद? दूसरे इलेक्शन के बाद जिसमें नवाज शरीफ वजीर आजम बने, मैंने आवारी होटल छोड़ दिया। फिर मैं नौकरी करता था तो मुझे फ़ोन आया कि इलेक्शन आ गए हैं तो तुम्हें 1 महीने के लिए आना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अगर मुझे बग़ैर तनख्वाह की छुट्टी लेनी पड़ी तो मैं लूँगा, लेकिन अब आप इलेक्शन नहीं की सकते। फौरन उनका फ़ोन आया। बात यह है कि जब मैं लाहौर में बैठा था तो कैलाश के लोग, पिशावर के लोग, जमरूद के लोग, सवात के लोग, चकेसर के लोग, मर्दान के लोग, उनको ये ख्याल था कि कोई बंदा बैठा है कोई हमारा काम करेगा। जब मैं नहीं रहा तो वो रास्ता टूट गया। मैंने कहा अब मैं जाऊंगा तो वो समझेंगे कि मैं अपने आप को फरोख्त करके आ रहा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ। तो वो मेरी बात बहुत सुनते थे, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने से हट गया। काम क्यों नहीं किया उन्होंने भी? नहीं नहीं, काम तो करते थे। पॉइंट यह है कि ये लोग जो थे ऐसे थे। मैं आपको एक बड़ा अजीब इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने वारी साहब को कहा कि ननकाना साहब में जन्म दिन है, सारे सिख आए होंगे तो आप आ जाएं तो मैं आपको ले जाऊँगा। जब उनको मैं लेकर ननकाने गया तो हम काफ़ी रश था, बड़े सिख इंडिया से भी आए थे, तो उनकी बेगम भी साथ थी, तो जो कोई सिख आए मेरे कान में बात करे तो मोहतरमा ने कहा मिस्टर आवारी यू आर नॉट ए मैन, आरफ इज अ मैन, बिकॉज वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी सेठ, ये अकलीती लोग उस तक पहुंचने में खिफत पड़ते थे। मैं अवेलेबल था, मेरे घर भी आते थे, उनको रात को जरूरत पड़ जाए दिन को पड़ जाए मैं अवेलेबल था, और उन्होंने मेरी दलील को माना
हालांकि उस वक्त मैं उनका एम्प्लॉय नहीं था, मैं एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता था। तो उनका फ़ोन आया कि आई हैव थॉट ओवर ए टैरिफ, मेजर साहब थैंक यू, आई एम नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अच्छा मेरे सब उनके मतलब बच्चे वगैरह कितने हैं या क्या वो सारे ये? हाँ जी, उनकी एक बेटी है, ब्याही हुई है, दोनों बेटे ब्याह हुए हैं, उनके बच्चे हैं। एक का नाम उनके दादा के ऊपर है, डेंशा बी वारी, और दूसरा है जैक्सेस वारी। जैक्सेस वारी ज़्यादातर स्पेंसर और वो मामला देखते हैं, डेंशा होटल वाला देखता है, लेकिन बैराम वारी साहब दो तीन घंटे दफ्तर में गुजारते हैं। अच्छा आप ज़रा मुख्तलिफ बारे होटलों के बारे में मालूम तो होंगे, तो हमारी की क्या डिफरेंट चीज़ होटल की लगी आपको, जो आप समझते हैं कि ये इनफरादियत का हामिल है इस हवाले से? जी देखिए, जब आप एक होटल में मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं तो आप एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को टच, लाहौर में अवारी लाहौर टॉप के बिजनेसमैन को करता है। ये नहीं कि टॉम डिक एंड हैरी के पास पैसा आए और वो उस तरह का माहौल क्रिएट करें। अब वापडा के जितने कंसल्टेंट आते हैं कई दो दो महीने ठहरते हैं वहाँ, और भी गवर्नमेंट के साथ इस तरह जो लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही शरीफाना और साइलेंट माहौल है। मैं आपको उसकी मिसाल बताता हूँ। अगर आप हवारी में चाय पीने जाएं तो बरामदे में पिए, है तो वही चाय, उसका रेट अलग है। लॉबी में पिए उसका रेट अलग है, और अगर किम्स में पिए तो अलग है। इसको कहते हैं कि वो वीड आउट करते हैं कि जो ड्राइवर या पीए या वो आते हैं वो फिर वो अफसरान उनको बरामदे वाली जगह कहते हैं चाय पी लो। अंदर का माहौल जो है, जो रेस्टोरेंट का माहौल है, जो उनकी वहाँ सर्विस है, वो एक बिजनेसमैन के लिए क्वाइट है, शोर शराबा नहीं है, लोग ऐसे बिला वजह कोई नहीं घूम रहे। जैसे एक दूसरे होटल में, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वहाँ लिफ्टें भी जो हैं शीशे की हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और एक रश है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो चाय भी नहीं पीते वहाँ घूमने आ जाते हैं और ठंडे में बैठ के गुजारा करते हैं। अवारी उस टाइप का होटल नहीं है, एक बड़ा रिस्पेक्टेबल होटल। खाने वालों का भी बड़ा डिफरेंट होता है, कोई इसमें भी आप लोगों का? जी बिल्कुल है, अवारी में इस वक्त एक जापानीज रेस्टोरेंट है, एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, एक लखनवी रेस्टोरेंट है, और एक जो वेस्टर्न जिसको हम कॉन्टिनेंटल कहते हैं वो मौजूद है, और बाहर बारबेक्यू और वो लोकल डेलिकेसी का है। तो इन रेस्टोरेंट में जो ठहरा हुआ है उसके पास चांस है कि वो रोज एक ही जगह एक ही रेस्टोरेंट में वही खाना ना खाए, और खाने के लिहाज से अवारी में अच्छा खाना मिलता है। ये जो कहते हैं कि बच जाता होटलों में, बड़े बड़े होटलों में अगली दफा वो गर्म करके और नेक्स्ट डे भी, ये कोई सिस्टम नहीं? हमारे वारी में ये रिवाज था कि अगर शादी वगैरह में बच गया है तो वो खाना रात 12 बजे लगा दिया जाता है ऊपर कैफेटेरिया में, और जो मुलाजमीन है, जो सारा स्टाफ है, सिक्योरिटी का वेटर, वो आके खाते हैं।